सोलापुर 16 विभिन्न गांवों के योग से बना और कर्नाटक की सीमा पर स्थित महाराष्ट्र राज्य का ये जनपद दक्षिण पश्चिम भारत का सबसे बड़ा नगर है। मानव निर्मित झील के किनारे अवस्थित ये सिद्धेश्वर मंदिर न केवल यहाँ के जनमानस के आस्था का द्योतक है बल्कि शहर का प्रतीक चिन्ह भी है। भारतीय क्रांति की महागाथा में सोलापुर की विशिष्ट भूमिका रही है। मलप्पा धन शेट्टी, श्री किशन सारडा, जगन्नाथ शिंदे व अब्दुल रशीद कुर्बान हुसैन की शहादत हमेशा ही याद रखी जाएगी। देश का यही इकलौता शहर है जहां आजादी के 17 साल 2 महीने 25 दिन पहले 3 दिन के लिए आजादी का परचम फहराया गया था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तत्कालीन पेशवा श्रीमंत माधव राव ने निकटवर्ती राज्य आंध्र प्रदेश के बुनकरों को सोलापुर में वस्त्र उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से बुलाया। सोलापुर में हाथकरघे की खटर पटर गूंजने लगी और आज लगभग 250 साल के अंतराल के बाद ये शहर सोलापुर दुनिया के दूसरे और एशिया के सर्वाधिक कताई मिल वाला शहर बन गया। आज शहर में लगभग 16,000 पावर लूम है जिनमें लगभग 40 से 45 हजार लोगों को परोक्ष व अपरोक्ष रूप से रोजगार का साधन बना हुआ है। यहाँ की कताई मिलों में 100% काटन यार्न या कपास के सूत का प्रयोग होता है। यहाँ पर निर्मित चादरें समूचे विश्व में सोलापुरी चादरों के नाम से प्रसिद्ध हैं। शुद्ध कपास के धागों को मजबूती प्रदान करने के लिए डबलिंग मशीन पर चढ़ा दिया जाता है। यहाँ 2 अलग अलग स्पिंडल से निकलकर धागे एक हो जाते हैं और बॉबिन में लिपट जाते हैं। डबलिंग किए हुए यार्न के बॉबिन को रोलिंग मशीन पर चढ़ाकर हैंग या लटकन बना लिए जाते हैं। ये हैंग्स रंगने या डाइंग के लिए भेज दिए जाते हैं। शुद्ध और सफेद कपास से तैयार सूत की लटकनों को यहाँ रंगाई विभाग में रंग बिरंगे रंगों में रंग दिया जाता है। सूत की लटकनों से टपक रहे पानी को अच्छी तरह निखार कर सूर्य प्रकाश में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। डिजाइनर द्वारा कागज पर उतारी गई आकृतियों को हार्ड बोर्ड पर पंच कर दिया जाता है। पंच किए हुए हार्ड बोर्ड को जैकार्ड कहते हैं तथा ये लूम के ऊपरी हिस्से में स्थापित कर दिया जाता है। पावर लूम के क्रियाशील अवस्था में वार्प या बीम में लिपटा हुआ यार्न ऊपर उठकर जैकार्ड से लटके हुए जाल से गुजरता है और वेफ्ट तक पहुंचता है जहां शटल की सहायता से सीधे और तिरछे धागे आपस में इंटरलॉक हो बुनाई की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। सोलापुर में बनने वाली चादरें 2 प्रकार की होती हैं, जिनमें सिंगल पेटी की चादरें हल्की व कम वजन वाली होती हैं, जिन्हें नौरंग, डीलक्स, डॉलर, सुप्रीम और सुप्रीम डीलक्स के नाम से जाना जाता है। डबल पेटी की चादरें मयूर, मयूर पंख, प्रिंसेस, मोनालिसा और मोहिनी के नाम से जानी जाती हैं तथा वजनदार होती हैं। आज ये चादरें अमेरिका, अफ्रीका, कुवैत, सऊदी अरेबिया, मलेशिया और इंडोनेशिया के बाजारों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी हैं। भारत सरकार ने सोलापुरी चादरों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए इस उद्योग को वाणिज्य कर से मुक्त रखा है। राज्य सरकार भी इस उद्योग को अन्य उद्योगों की तुलना में सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध करा रही है। सोलापुरी चादरें सारे हिंदुस्तान में एक ही तरह से लोकप्रिय हैं, आम आदमी के पहुंच में हैं, महाराष्ट्र वस्त्रोद्योग की जान है और प्रांतीय व राष्ट्रीय टेक्सटाइल्स प्रदर्शनियों की शान है।